नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल, देश भर में भारत रत्न डॉक्टर मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया की जन्म तिथि को अभियंता दिवस के रूप में मनाया गया। चिंतक विचारक और लोक भारती के केंद्रीय पदाधिकारी अशोक त्रिपाठी ने बताया कि भारत रत्न डॉक्टर मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया जी ने आधुनिक भारत की रचना की और देश को एक नया रूप दिया। उन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। विश्वेश्वरैया के द्वारा किए गए देश के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सरकार ने उन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। प्रणाम। आज भारत रत्न विश्व शिरोमणि इंजीनियर मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती है। हमें यह देखना चाहिए कि यदि हम शब्दों में कहें तो ऐसा था विश्वेश्वरैया जी का व्यक्तित्व कि उनके रोम रोम से झलकता था उनका कृतित्व। अपने कार्य के प्रति ऐसी थी उनकी समर्पित निष्ठा, पूरे विश्व में बढ़ाई भारत की प्रतिष्ठा। उस ब्रिटिश शासन काल में जहां इंडियन सिविल सर्विसेज के और विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं के हजारों अधिकारी कर्मरत रहे, सेवानिवृत्त हुए, लेकिन भारत रत्न का गौरव एकमात्र विश्वेश्वरैया जी को प्राप्त हुआ। यह उनकी कर्मनिष्ठा थी और समर्पण था कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक, कावेरी से लेकर मैसूर तक, हैदराबाद से लेकर हरिद्वार तक और मध्य प्रदेश में जैसे ग्वालियर का तिगरा बांध है, आज जहां एक परियोजना में सैकड़ों इंजीनियर खप जाते हैं, वहां एक इंजीनियर ने देश की बड़ी बड़ी दर्जनों और छोटी मोटी सैकड़ों परियोजनाओं के साथ समाज में जो इंजीनियर्स की प्रतिष्ठा बनाई, उस प्रतिष्ठा का ही फल या उपलब्धि आज के इंजीनियर्स प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए आज इस अवसर पर आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी इंजीनियर्स अपनी सीमा क्षेत्र, अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की गुणात्मकता पर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ ध्यान रखें। किसी भी प्रलोभन से बचते हुए कार्य की मात्रा और गुणवत्ता से कभी कोई समझौता ना हो, ऐसे संकल्प के साथ हम आज यदि संकल्पित होते हैं तो यही विश्वेश्वरैया जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और आस्था होगी। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।